नॉट uh, एक इंसान, वी कैन कॉल मैनी पीपल्स मतलब जितने भी uh, वहाँ पे उस एरिया में प्रेजेंट होंगे वो अपने लीडर को चूज करते हैं उस प्रोसेस को हम इलेक्शन बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी फॉर इंस्टेंस अगर आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा आपको क्लास में बनाना होगा मोनिटर तो आपको क्लास जो टीचर है आपका फॉर्म टीचर वो आपको बोलेगा कि आप वोटिंग करो दो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि वर्ती होंगे जिनमें वो क्वालिटीज होंगी कि वो ये ना लीडर बन सके तो उन दो को उठाएंगे फिर पूरे क्लास को बोलेंगे कि आप, आप अपनी तरफ से किसको मतलब आपको क्या चाहता है आपको क्या लगता है कि कौन सही है मोनिटर बनने के लिए तो फिर जिसको ज्यादा वोट्स आएंगे जो ज्यादा जिसके नंबर में ये ना फेवर में बचे होंगे वो बनता है इसी तरीके से मैं आपको बताती हूं। इंडिया जो है इंडिया को मैंने आपको बार बार बोलती आ रही हूँ कि इंडिया जो है इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है इट्स अ वेरी बिग कंट्री तो इसमें क्या है कि इसमें एक ही इंसान का यू you नो know, एक ही इंसान का ये नहीं होता है एक ही इंसान इसको नहीं कंट्रोल कर सकता है तो यहाँ ज़रूरी है कि हमें वेरियस लीडर्स वेरियस प्लेस में होने चाहिए जैसे सेंट्रल लेवल पर अलग स्टेट लेवल पर अलग विलेज लेवल पे अलग होने चाहिए और वो कौन चूज़ करता है वो लोग खुद चूज़ करते हैं मैंने आपको बोला है दो फॉर्म ऑफ ये है दो फॉर्म ऑफ ये गवर्नमेंट होती है एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है आ, क्या बोलते हैं उसको और दूसरा होता है बच्चों मोनार्की तो मोनार्की में क्या होता है मतलब अगर कोई किंग होता है उसका बेटा रूल करता है फिर उसका बेटा रूल करता है और आ, पीपल हैव नो से इन द गवर्नमेंट वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते है. बट डेमोक्रेटिक क्या होता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या ने? होता है लोग जो है वही इलेक्ट करते हैं पीपल को आपको पता ही है कि इंडिया जो है मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करके बताती हूँ दैट इंडिया जो है इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बोला जाता है नाउ कमिंग टू द वोटिंग इन इंडिया वोटिंग प्रोसेस इंडिया में क्या है ठीक है आपको मैंने कहा कि हम इंडिया में कैसे करते हैं चूज लीडर को थ्रू वोटिंग हम वोट करते हैं ठीक है थीके? और जो लोग वोट डालते हैं उनको हम वोटर्स कहा जाता है ठीक है और जो ये वोटर्स है इनके लिए भी एक स्पेसिफिक रोल है कि अब वो 18 जो भी होगा वही वो वोट कर सकता है बिलो 18 कोई भी वोट नहीं कर सकता है ठीक है इंडिया जो है मैंने आपको ऊपर भी बोला कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री है सो so, इंडिया में वोट वोटिंग के लिए लीडर्स चुनने के लिए बहुत ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है क्योंकि अगर ये प्लान वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर आस टू तो चूज आर लीडर्स सो फो दैट पर्पज क्या होता है एक कमीशन बैठी है उसका नाम हमने रखा है इलेक्शन कमीशन वो क्रिएट की गई है फॉर दिस वेरी पर्पज़ और ये इलेक्शन कमीशन क्या कर बच्चों पहले ही ये डिसाइड करता है डेट्स की कब इलेक्शन होने हैं ये इलेक्शंस को मतलब होल्ड करता है कैसे ये इलेक्शंस हमें करने हैं वो सब देखता है ये हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कब मतलब अपडेट देता है हमें ठीक है बच्चों और ये क्या करता है जो ये वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं कि ये अनफेयर ना हो जाए वोटिंग बराबर जो वो, ये नंबर ऑफ पीपल है वो वोट कर सके और लास्ट में यही इलेक्शन कमीशन जो है ये डिक्लेयर करता है रिजल्ट्स और ये फेयर इलेक्शन और इम मतलब जहां पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो जो फेयर हो जो बिल्कुल इंसा मतलब uh, किसी को ना धोखा ना हो बिल्कुल सही से जिसने जिसको वोट किया है वो ही हमारा लीडर बने वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है बच्चो दिस वॉज ऑल फॉर योर टूडेज लेसन एंड इनशा आई एल मीट यू टमारो विद द सेम चैप्टर एंड इट्स सेकेंड पार्ट टिल देन असल